हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैव पीड़क नाशी, यानी कि वायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो जैव पीड़क नाशी या बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव पीड़क नाशी होते क्या हैं। तो देखिए बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो देखिए सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है, वे जीव जिनका उपयोग हम किसी भी प्रकार से अनैच्छिक या हानिकारक जीवों को नष्ट करने में करते हैं उन्हें ही हम जैव पीड़क नाशी कहते हैं। तो जैव पीड़क नाशी क्या होते हैं, देखिए ये एक प्रकार के जीव होते हैं जिनका उपयोग करके हम अनैच्छिक या हानिकारक रूप से जो जीव होते हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है। किसी प्रकार से अनैच्छिक या हानिकारक रूप से जो जीव होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम जिन जीवों का उपयोग करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, जैव पीड़क नाशी कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी प्रकार से अनैच्छिक या हानिकारक जीवों को नष्ट करने के लिए जिन जीवों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं जैव पीड़क नाशी। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसी आधार पर जो जैव पीड़क नाशी होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। देखिए जैव पीड़क नाशी में कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि शाकों को नष्ट करते हैं, यानी पेड़ पौधे फसलों को नष्ट करते हैं जो वो होते हैं। इसके अलावा कुछ जैव कीटनाशी होते हैं जो कीटों को नष्ट करते हैं। तो इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। तो जैव पीड़क नाशी के प्रकार यदि हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी टू टाइप्स के होते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। तो जैव पीड़क नाशी चूंकि दो प्रकार के होते हैं उनमें से पहला प्रकार है जैव शाकनाशी और दूसरा है जैव कीटनाशी। यदि हम ये बात करते हैं कि जैव पीड़क नाशी को हम किनमें से तैयार करते हैं तो ये स्पेशली जंतुओं, पौधों और जीवाणुओं आदि से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे कि जैव पीड़क नाशी दो प्रकार के होते हैं, उनमें से पहला है जैव शाकनाशी और दूसरा है जैव कीटनाशी। सबसे पहले हम समझते हैं जैव शाकनाशी क्या होते हैं। तो जैव शाकनाशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे पीड़क नाशी जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं वे जैव शाकनाशी कहलाते हैं। अब देखिए पीड़क नाशी का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट करना। तो जैव शाकनाशी की यदि बात करें हम तो नाम से स्पष्ट है। देखिए कई सारे ऐसे खरपतवार हैं जो कि फसलों के साथ उगाते हैं, अवांछनीय पौधे जो कि फसलों को नष्ट करने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं खरपतवार या वीड्स। तो वीड्स या खरपतवारों को जो नष्ट करते हैं पीड़क नाशी उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव शाकनाशी। तो जैव शाकनाशी की सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे पीड़क नाशी या वे पेस्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स जो कि खरपतवारों को नष्ट करते हैं यानी कि जिनका काम होता है वीड्स को नष्ट करना उन्हें ही हम जैव शाकनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव शाकनाशी। और इस श्रेणी में मुख्यतया आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कीट आते हैं जो कि चयनात्मक रूप से एक विशिष्ट जाति के शाकों को खाते हैं और इसके अंतर्गत आप देखेंगे जैव शाकनाशी के अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ कीट आते हैं। और ये कीट क्या करते हैं कि बेसिकली जो शाक होते हैं, शाक का मतलब होता है कोमल पौधे जो होते हैं, जैसे आप धान गेहूं देखेंगे जिनके तने कोमल होते हैं वह बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, लगभग 1 मीटर की हाइट के होते हैं उन्हें हम कहते हैं शाक। तो कोमल तना वाले जो पौधे होते हैं वह स्पेशली शाक कहलाते हैं। तो शाकों को नष्ट करने का प्रमुख काम क्या होता है, जैव शाकनाशी का होता है। तो जैव शाकनाशी में आप देखेंगे कि खरपतवारों को नष्ट करने में जिन पीड़क नाशी का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव शाकनाशी कहते हैं। तो इस श्रेणी में मुख्य रूप से आप देखेंगे कि कीट आते हैं और ये कीट क्या करते हैं, विशिष्ट जाति के कुछ शाकों को यानी पौधों को खाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें एक एग्जाम्पल यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया गया है भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए एक प्रजाति है कैक्टस की, तो कैक्टस को रोकने के लिए कैक्टोब्लास्टिक कैक्टेरम नामक कीट का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब चूंकि जैव पीड़क नाशी क्या कर देते हैं, खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं, तो जैव पीड़क नाशी खरपतवारों को तो नष्ट कर देते हैं और शाकों को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जो कैक्टस की प्रजाति है, अब चूंकि कैक्टस हमने एक एग्जाम्पल लिया यहां पर तो आप समझेंगे कि कैक्टस की जो प्रजाति है इसको कीट क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो कैक्टस को रोकने के लिए एक कैक्टोब्लास्टिक कैक्टेरम नामक कीट का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने आपको क्या बताया कि कैक्टस का जैसे पौधा है, अब कैक्टस के पौधे को मान लीजिए खरपतवार क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए एक कैक्टोब्लास्टिक कैक्टेरम नामक कीट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है,
कैक्टोब्लास्टिक कैक्टेरियम नामक कीट का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार नींबू के बगीचों में एक दूसरा एग्जाम्पल यदि आप समझें तो नींबू के बगीचों में आप देखेंगे कि उगने वाले जो दूब घास होते हैं इनको नष्ट करने के लिए फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। आप यहां पे दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप पहला एग्जाम्पल क्या देख पा रहे हैं यहां पे कि एक हमारे पास कैक्टस है। क्या है हमारे पास? कैक्टस है। तो कैक्टस की यदि हम बात करते हैं तो कैक्टस का प्लांट जो है इसको क्या करते हैं कि नष्ट कर देते हैं जैव पीड़कनाशी। अब जैव पीड़कनाशी नष्ट कर देते हैं तो इसको रोकने के लिए मतलब पीड़कनाशियों से रोकने के लिए हम कैक्टोब्लास्टिक कैक्टेरियम नामक कीट का प्रयोग करते हैं। तो कैक्टोब्लास्टिक नामक कैक्टेरियम नामक कीट जो है नष्ट होने से कैक्टस को बचाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए जो नींबू का बगीचा होता है तो नींबू के बगीचों में आप देखे होंगे कि दूब घास बहुत ज्यादा मात्रा में निकल आती है। तो ये जो दूब घास है, दूब घास पौधों को नष्ट ना करे, ये एक प्रकार से खरपतवारों का काम करने लग जाती है दूब घास। तो ये नष्ट ना कर पाए पौधों को, इसके लिए फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा नामक कवक का प्रयोग किया जाता है और इसके कवक के प्रयोग से बचा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि जैव शाकनाशी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पीड़कनाशी जो कि खरपतवारों को नष्ट करते हैं उन्हें हम जैव शाकनाशी कहते हैं। तो जैव शाकनाशी को भी हम किसके द्वारा तैयार करेंगे? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार करेंगे, पौधों के द्वारा भी या जंतुओं के द्वारा तैयार कर सकते हैं, जीवाणुओं के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं, कवकों के द्वारा हम जैव शाकनाशी या जैव पीड़कनाशी को हम तैयार कर सकते हैं। तो जैव शाकनाशी में आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसे पीड़कनाशी जो कि खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं उन्हें हम जैव शाकनाशी कहलाते हैं या जैव शाकनाशी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है जैव पीड़कनाशी का वो है जैव कीटनाशी। क्या है? जैव कीटनाशी यानी बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो जैव कीटनाशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वे पीड़कनाशी या वे जैव पीड़कनाशी जो कि कीटों को नष्ट करने का काम करते हैं वे जैव कीटनाशी कहलाते हैं। तो देखिए कुछ पीड़कनाशी ऐसे आते हैं जो कि कीटों को नष्ट करने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव कीटनाशी। तो देखिए बहुत से हानिकारक कीटों को परजीवियों, बीमारियों और दूसरे कीटों द्वारा नष्ट किया जाता है। मतलब बहुत से हानिकारक कीट ऐसे हैं जिनको कि हम जैव कीटनाशी के द्वारा क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए यहां पे आप दो एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है यहां पे एफिडो। एफिडो को मारने के लिए प्रेइंग मेंडिस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एफिडो क्या है एक प्रकार का, तो आप देखेंगे कि कीटनाशी जो है तो एफिडो को मारने के लिए प्रेइंग मेंडिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेइंग मेंडिस जो पीड़कनाशी होता है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? किस कीट को मारने के लिए? एफिडो को। तो एफिडो को मारने के लिए हम प्रेइंग मेंडिस नामक कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जैव कीटनाशी क्या करते हैं? कीटों को नष्ट करने का काम करते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे पीड़कनाशी आते हैं जो कि किसको नष्ट करते हैं? कीटों को नष्ट करते हैं। देखिए जब भी कभी जो जैव कीटनाशी होते हैं ये जैव कीटनाशी कीट क्या करते हैं कि नए वातावरण के प्रति जो है जल्दी अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। तो जब ये जल्दी अनुकूलित नहीं हो पाते हैं तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इनका प्रजनन दर जो है या प्रजनन करा करके इन्हें एफिडो के खिलाफ छोड़ा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कीटनाशी जो है नए वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं हो पाते हैं जल्दी से तब उनको उनके उनमें प्रजनन कराया जाता है और प्रजनन कराने के पश्चात उन्हें हम एफिडो के खिलाफ छोड़ देते हैं और इस प्रकार से ये प्रेइंग मेंडिस जो है एफिडो को मारने का या नष्ट करने का काम करता है। तो जैव पीड़कनाशी के अंतर्गत कुछ ऐसे पीड़कनाशी आते हैं जैव कीटनाशी के अंतर्गत जो कि कीटों को नष्ट करने का काम करते हैं। तो कीटों को नष्ट करने वाले जो पीड़कनाशी होते हैं उन्हें हम कहते हैं कीटनाशी। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है जैसे एफिडो को मारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेइंग मेंडिस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि एफिडो क्या है? एक कीट है और इसको मारने के लिए हम प्रेइंग मेंडिस नामक कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जैव शाकनाशी और जैव पीड़कनाशी, यहां पे आप देखेंगे कि जैव पीड़कनाशी, जैव शाकनाशी और जैव कीटनाशी। उम्मीद करता हूं कि तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो जैव पीड़कनाशी क्या होते हैं? उनके दोनों के दोनों प्रकार, चाहे वो जैव शाकनाशी हो या जैव कीटनाशी हो, ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।